आ गया ऑटो कट सर्किट हैवी 1 किलोवाट से लगाकर एंड 25 किलोवाट तक के स्टेबलाइजर में इसको यूज कर सकते। फाइनली फ्रेंड्स आज हम ऐसा सर्किट बनाने वाले हैं दोस्तों जो कि इसको हम अपने स्टेबलाइजर में यूज कर सकते हैं इसको, और इसको कितने किलोवाट से लगाकर कितने किलोवाट के स्टेबलाइजर में इसको यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल पावरफुल सर्किट है दोस्तों, इसको हम 1 किलोवाट से लगाकर एंड 25 किलोवाट तक के स्टेबलाइजर में इस सर्किट को हम बहुत एक अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस सर्किट को पूरा ही बनाना सीखेंगे, ये सर्किट आखिर है किस चीज़ का और ये कैसे करके काम करेगा इसके यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल्स में क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा हाईकट का सर्किट, और ये हाईकट का सर्किट ये कैसे करके काम करेगा इसको एक बार थोड़ा सा और क्लियर हम कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमको जितना आउटपुट में वोल्टेज अगर ज़रूरत होगा उतना ही वोल्टेज हम इस सर्किट से सेट कर लेंगे, फिर हमको उससे ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को ऐसे ही देखते रहना, आप इस सर्किट को बना ले जाएंगे एक अच्छी तरीके से, हम डिटेल्स में वीडियो के अंदर क्लियर एंड कवर करेंगे, बस वीडियो को ही कम्प्लीट वॉच करना। तो दोस्तों फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट, तो फिर लेट अस गो। तो दोस्तों यहाँ पर ये है डायोड, और यहाँ पर डायोड ये जो हम यूज कर रहे हैं ये आपको यूज करना है यहाँ पर IN4007 का। ये दोनों डायोड आपको यहाँ पर IN4007 के ही यूज करना है। अभी हम आगे ये भी क्लियर करेंगे कि आखिर इन कंपोनेंट्स का कनेक्शन किस प्रकार से होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बस वीडियो को ऐसे ही यहाँ पर देखते रहे। तो दोस्तों यहाँ पर ये है जिनर डायोड, और ये जिनर डायोड आपको जो यूज करना है ये आपको यूज करना है 9 वोल्ट का, 9 वोल्ट का यहाँ पर यूज करना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर यह है हमारे पास रजिस्टर, और ये जो रजिस्टर आपको यूज करना है यहाँ पर ये आपको यूज करना है 4K7 का। फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाला जो रजिस्टर है और ये वाले जो रजिस्टर जो आपको यूज करना है यहाँ पर ये आपको यूज करना है 10K का, 10K का यहाँ पर ये वाला रजिस्टर एंड 10K का ये दूसरा वाला रजिस्टर, एंड पहला एंड दूसरा ये दोनों के दोनों आपको 10K के ही यहाँ पर रजिस्टर को यूज करने हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी हम सर्किट डायग्राम की क्लियर चीज़ें करेंगे कि यहाँ पर कंपोनेंट्स का कनेक्शन किस प्रकार से होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमारा ये है रजिस्टर, और ये वाला जो रजिस्टर हमको यूज करना है ये हमको यूज करना है 150 किलो ओम्स में, मतलब कि 150K का यहाँ पर ये वाला रजिस्टर यूज करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये है रजिस्टर, और ये वाला जो रजिस्टर हमको यूज करना है ये रजिस्टर हमको 100 ओम्स में यहाँ पर ये वाले रजिस्टर को यूज करना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये है प्रीसेट, और ये प्रीसेट आप यहाँ पर 10K का भी यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पर ये 4K7 का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स 4K7 का यूज कर रहा हूँ, आप यहाँ पर 10K का एंड 4K7 में से दोनों में से कोई भी यहाँ पर प्रीसेट को यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर ये है हमारे पास ट्रांजिस्टर, और ये जो ट्रांजिस्टर है ये है हमारा BC547 का। अब ये BC547 की अगर पिनआउट आपको नहीं पता है तो आप एक बार चेक कर लेना, यहाँ पर जो ये ट्रांजिस्टर है BC547 का एक, यहाँ पर ये है दोस्तों हमारे पास दूसरा ट्रांजिस्टर, और ये जो दूसरा ट्रांजिस्टर है ये है हमारे पास CTC1351 का, CTC1351 का ट्रांजिस्टर यूज करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर का ये जो आप देख रहे हैं लाइनिंग ये है हमारा नेगेटिव हिस्सा, और इस नेगेटिव हिस्से को आपको इसी ही साइड में ऐसे करके ही लगाने हैं। अब यहाँ पर ये जो कैपेसिटर जो आपको यूज करना है ये आपको यूज करने हैं 100 वोल्ट एंड 100 μF में, आपको यहाँ पर ये दोनों के दोनों यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे कंपोनेंट्स जितने भी लगने थे वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। अब हम यह जान ये लेते हैं कि अब कंपोनेंट्स का कनेक्शन किस प्रकार से होगा, इन कंपोनेंट्स को हम कैसे करके आपस में कनेक्टेड करेंगे। अब यहाँ पर बहुत एक अच्छी तरीके से यहाँ पर डिटेल्स में क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि ये डायोड का नेगेटिव एंड डायोड का ये पॉजिटिव, इससे हमको क्या करना है शॉर्ट कर देना है, ये कनेक्शन एक हमको कर देना है। एंड यहाँ पर हम क्या करना है अभी कैपेसिटर को निकाल दे रहे हैं दोनों के दोनों, और कैपेसिटर को निकालने से ये हो जाएगा कि कनेक्शन यहाँ पर जो है क्लियर तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं सिंबल ये हमारा नेगेटिव, तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं अभी अपनी PCB में यहाँ पर सिंबल बना देते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव का, जिससे कि कनेक्शन में आपको समझने में कोई भी ऐसी यहाँ पर दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर यह है हमारा पॉजिटिव हिस्सा,
कैपेसिटर का, एंड यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है यह है हमारा नेगेटिव हिस्सा। तो यहाँ पर ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और ये वाला जो कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर का हमारा ये है नेगेटिव हिस्सा, एंड ये वाला जो है ये है हमारा पॉजिटिव हिस्सा। अब यहाँ पर जो कैपेसिटर हम बाद में लगा देंगे, पहले कि यहाँ पर हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव बना दिया है। अब फ्रेंड्स हमको क्या करना है, ये डायोड का ये जो पॉजिटिव हिस्सा है हमको यहाँ से उठाना है कनेक्शन को, और इसको लेकर के जाएंगे हम अपने यहाँ पर ये वाले कैपेसिटर के पॉजिटिव हिस्से से कनेक्टेड कर देंगे। अब यहाँ पर ये कनेक्शन हो गया, अब हमको क्या करना है, इसी ही कनेक्शन को लेकर के जाना है, और यहाँ से लेकर को हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाले जो रजिस्टर हैं, तो इन्हीं रजिस्टर से हम इन दोनों को कनेक्टेड कर देंगे। मतलब ये दोनों जो रजिस्टर हैं हमारी, इन्हीं दोनों रजिस्टर से ये की ही कनेक्शन कनेक्टेड रहेगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि ये वाला जो डायोड का जो नेगेटिव हिस्सा है, इसको क्या कर रहे हैं हम, इस वाले रजिस्टर से यहाँ पर कनेक्टेड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका कनेक्शन हो गया। अब हमको क्या करना है, इसी ही कनेक्शन को लेकर के जाना है, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर का जो नेगेटिव हिस्सा, इस नेगेटिव हिस्से से हमको कनेक्टेड कर देना है यहाँ पे। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर ये वाला जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर से हमको यहाँ से कनेक्शन को उठाना है, हमको यहाँ से उठाना है, और इसको हम लेकर के आएंगे अपनी प्रीसेट में, और प्रीसेट की इस वाली ही पिन से हम यहाँ पर कनेक्टेड कर देंगे इस वाली पिन से। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये वाला जो प्रीसेट है, इस प्रीसेट की बीच वाली पिन और ये एंड जीनर डायोड, इस जीनर डायोड से हम क्या करेंगे यहाँ पर कनेक्टेड कर देंगे इसको। एंड जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये रजिस्टर एंड जीनर डायोड, इसको आपस में कनेक्शन आपको करना है। इसको कनेक्ट करने के बाद ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है BC547 का, इसी ही बीच वाली पिन से हम इसको कनेक्टेड कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर ये कनेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हमको क्या करना है, ये वाला जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर को हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका कनेक्शन को उठाएंगे और ट्रांजिस्टर की साइड वाली पिन एंड इस रजिस्टर से कनेक्टेड कर देंगे, और ट्रांजिस्टर की हमारी ये वाली साइड वाली पिन, इससे हम कनेक्टेड कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टर की जो साइड वाली पिन है एंड एक ही रजिस्टर से हमारी कनेक्टेड है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाला जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर की ये वाली पिन, यहाँ पर समझिए ये वाला जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर की ये वाला पिन जो है, हमको इस ट्रांजिस्टर की पिन से, साइड वाली पिन से हमको कनेक्टेड कर देनी है, और इस रजिस्टर का ये वाला कनेक्शन हमको यहाँ से उठाना है, और यहाँ पर हमको क्या करना है, इस वाले यहाँ से इसको कनेक्ट करना, इस वाले रजिस्टर को यहाँ से यहाँ तक का कनेक्ट करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर ये कनेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर इससे कनेक्टेड है, ठीक है भैया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाला जो कनेक्शन है, यहाँ से रजिस्टर से आपको उठाना है, और इस रजिस्टर को हमको क्या करना है, ट्रांजिस्टर की जो हमारी राइट साइड वाली पिन है, इस राइट साइड वाली पिन से ही कनेक्टेड यहाँ पर ये वाला कनेक्शन को हम कर देंगे। अब हमको ग्राउंड कनेक्शन करना है, तो हमको क्या करना है, ये वाला रजिस्टर से उठाएंगे और इस प्रीसेट की एक पिन से कनेक्टेड करेंगे, और हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर का नेगेटिव हिस्से से कनेक्ट करेंगे, और हम क्या करेंगे, इसी को उठाएंगे और इसी को लेकर के जाएंगे अभी हम ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड हमारा एक कनेक्शन अभी और होगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर के पॉजिटिव हिस्से से यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सर्किट का कनेक्शन तो हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पर हम बात ये कर लेते हैं कि हमको कहाँ से इनपुट और कहाँ से आउटपुट हमको मिलने वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि आप जो देख रहे हैं ग्राउंड, तो ग्राउंड पे एक हमको ट्रांसफार्मर का वायर कनेक्ट करना है, एंड यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर का, मतलब कि यहाँ पर हमको इनपुट सप्लाई देना 24 वोल्ट का, यहाँ पर हमको इनपुट एसी सप्लाई देना है, एंड आउटपुट जो हमको मिलेगा इस ट्रांजिस्टर की बीच वाली पिन से मिलेगा। यहाँ से हमको ट्रांजिस्टर की बीच वाली पिन से हम एक रिले पर वायर को कनेक्ट कर देंगे, एंड जो दूसरा वायर जो हमको कनेक्ट करना होगा, इस डायोड का जो आप पॉजिटिव हिस्सा जो देख रहे हैं यहाँ पे, इस यहाँ से हम इस रिले के वायर को यहाँ पे एक कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर यह है हमारा आउटपुट, RR आउटपुट, और TT हमारा है इनपुट 24 वोल्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यह सर्किट बिल्कुल कंप्लीट कर दिया गया है, और यहाँ पर आपने अच्छे से सीखा होगा, समझा भी होगा, और आप अच्छे से यहाँ पर आप इसको बना भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो दोस्तों ये वीडियो अगर जरा से भी अगर अच्छा लगा हो, एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना। दोस्तों अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी अगर ऐसा अधूरा रह गया हो, तो हमको कमेंट बॉक्स में जोर से बताना। तो फिर दोस्तों अगर ऐसे ही सीखना चाहते हो मेरी चैनल की मदद से, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का।